अगली खबर है, बात करते हैं कानपुर की, जहां दरोगा को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। दरोगा लड़की को भगाकर शादी करने के केस की जांच करने पहुंचा था। लड़की के परिवार वालों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उसे कमरे में बंद कर लिया, उसके बाद उसे जमकर पीटा। गांव के लोगों ने इस बात की पुलिस को सूचना दी। मामले का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस कमिश्नर ने 2 IPS अफसरों को पूरे मामले की जांच के लिए भेजा है। मामला ककवन इलाके का है। पुलिस कमिश्नर BP जोग दंड ने बताया, हीरापुरवा में रहने वाली एक युवती के घर से भागकर लव मैरिज की थी। मामले में परिवार वालों ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों और युवती को दबिश देकर पकड़ लिया। जांच के दौरान युवती ने अपने बयान में बताया कि वह बालिग है और उसने अपनी इच्छा से शादी की है। युवती के बालिग होने की मेडिकल में पुष्टि होने के बाद आरोपियों को छोड़ दिया गया। साथ ही परिवार वालों को पूरे मामले की जानकारी दी गई। इस बात को लेकर परिवार के लोगों में गुस्सा भरा था। परिवार को लग रहा था कि घूस लेकर पुलिस आरोपियों की मदद कर रही थी। परिवार वाले कानून से इधर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मामले में FIR लगाने के लिए रविवार को दरोगा गर्वित त्यागी और कांस्टेबल माथुर चौधरी पीड़ित परिवार के घर गए थे। आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया, उसके साथ मारपीट की। साथ ही परिवार की एक महिला ने दरोगा को कमरे में खींच लिया, इसके बाद छेड़खानी के आरोप लगाए। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग दौड़ आए, मामले की थाने में जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे में बंद दरोगा को बाहर निकाला। इस दौरान कमरे में बाहर खड़े कांस्टेबल ने पूरे मामले की वीडियो बना ली। वीडियो के आधार पर युवती के लगाए आरोप सही नहीं पाए गए। शुरुआती जांच में अफसर खुद ही मान रहे हैं कि दरोगा को झूठे आरोप में फंसाने के लिए महिला ने कमरे में बंद किया और फिर शोर मचाया। घटना के वीडियो में सुनाई पड़ रहा है कि महिला को कुछ लोग उकसा रहे हैं कि कपड़ा फाड़ो, उसे दबोच लो। इससे साफ हो गया कि दरोगा को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। कानपुर पुलिस कमिश्नर BP जोगदंड ने कहा कि मामले की जांच करने के लिए ADCP साउथ अंकिता शर्मा और ADCP वेस्ट लाखन यादव को भेजा गया है। महिला से जुड़ा मामला होने के चलते महिला IPS अफसर को जांच टीम में रखा गया है। जांच पूरी होने के बाद मामले की कार्यवाही की जाएगी। अरे वाह।